हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मंचूरियन बनाने सोयाबीन का, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसमें आप लोग एक कटोरी के लगभग सोयाबीन ले लें। आप देख सकते हैं इस तरह से आप सोयाबीन ले सकते हैं। इस तरह से सोयाबीन ले लें, दो टमाटर ले लें, ओनियन ले लें, एक हरी मिर्च, दो जीरा थोड़ा सा, एक मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ कुछ चार पाँच कलियाँ ले लें, कुछ मसाले ले लें। आप देख सकते हैं इधर मैंने मसाले रखे हैं, ये सारे मसाले हैं। इसमें मैंने आमचूर, चाट मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला, हरी मसाला मैंने यूज किए हैं, और कुछ मसाले, नमक और सूखी मिर्च मैं डालूंगी, वो आप लोगों को बताती चलूंगी। दो चम्मच के लगभग तेल लगेंगे। धनिया की पत्ती मैंने ली, थोड़ा सा हींग लिए हैं। तो चलिए अब इसे टमाटर को कट करते हैं और उसे ग्राइंड करते हैं, और ओनियन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने तेल को गर्म कर लिए हैं। अब इसमें आप जीरा सबसे पहले ऐड कर ले, सॉरी आप सबसे पहले सोयाबीन को अच्छे से भून के डाल करके इसको अच्छे से ग्रे होने तक गोल्डन कलर का हो जाए, तब आप इसे निकाल लें। उसके बाद में डालेंगे, आप देख सकते हैं मैंने इधर और को इसमें इस जार में टमाटर को भी पीस लिए, इधर सारे मसाले को भी मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, प्याज को मैंने कट कर लिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को भी ग्रेट कर लिए हैं। देख आप देख सकते हैं सोयाबीन अच्छे से भून चुके हैं। इसे आप गर्म पानी रखें, ठंडे पानी में भी आप इसे रख सकते हैं, मैं ठंडे पानी में ही रख रही हूँ। इसे दो मिनट के लिए आप फूलने दें, देर जो तेल बचा है उसमें आप मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये डालने के बाद आप इसे निकाल लें सारे को, तेल गर्म है, इसमें आप जीरा ऐड कर ले, जीरे पर रखने लगे। उसके बाद में आप इसमें प्याज, अदरक इन सबको डाल करके अच्छे से भूने। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले को अदरक इसमें मैंने डाल दिए हैं, इस सब मसाले अच्छे से प्याज लग चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें आप सब्जी मसाले, हल्दी मसाले सब ऐड कर लें, उनको अच्छे से भून लें। उसके बाद में आप इसमें टमाटर के प्यूरे डाल दें। इस तरह से मैंने चाट मसाले भी ऐड कर लिए हैं, और आप इस सबको इस तरह से भूनते हैं, लेकिन इस तरह से भूने तो थोड़ा सा मिर्च भी ऐड कर लें। तीखा चटपटा मंचूरियन बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। आप इसमें चीज़ डाल करके हल्का सा एक मिनट के लिए इसको ऐसे मिक्स करके भूनते रहें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मंचूरियन को पानी से निकाल लिए, पानी को वेस्ट ना करें, इसको रखें। और इसमें आप देख सकते हैं मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें आप मंचूरियन डाल दें सोया का, और इसे आप अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। धनिया पत्ती डाल दें, और एक चम्मच के लगभग आप नमक ऐड कर लें। इस तरह से एक चम्मच मैंने नमक ऐड किए हैं, आप इसी तरह से डाल लें। अब दो मिनट के लिए इसे अब आप पकाएं, और अच्छे से आपको लगे तो इसमें हल्का सा आप ये जो पानी बचा है उसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ऐड कर लें, और अच्छे से इसे आप पकाते जाएँ। इस तरह से दो मिनट के अंदर में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं सोया मंचूरियन तैयार है आप लोगों के लिए। कैसा लगा वीडियो? आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।